हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक मीठे शक्करपारे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी ऐसे तो बहुत कॉमन है, सब लोग इसे बनाते हैं, पर एकदम परफेक्ट रवेदार सॉफ्ट शक्करपारे हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। इस रेसिपी बनाने के लिए हमें सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में लेना है और उसकी एक पेस्ट बनानी है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट का, जो थर्ड वाला मेजरमेंट का कप आता है, उस माप से मैंने घी लिया है। यहाँ पे मैंने प्योर घी लिया है, आप चाहो तो डालडा भी ले सकते हो और ऑयल भी ले सकते हो। अब मैंने जितना घी लिया था सेम उतना ही दूध लूँगी और उतनी ही शक्कर लूँगी। अब इन सारी चीज़ों की मैं एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। वो पेस्ट को मैंने एक बड़े से बाउल के अंदर ले ली है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के मेजरमेंट से रवा डालूँगी। अब रवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। यहाँ पे मैं 1/4 कप का मेजरमेंट लेके मैदा डाल रही हूँ। मैंने 2 कप मैदा डाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर मैंने 2 कप मैदा डाला। एक कप अभी डाला, मैं वापस 1 कप डालूंगी और फिर 1 कप, मतलब टोटल मैं यहाँ पे 1/4 कप के मेजरमेंट से 5 कप मैदा डाल रही हूँ। मतलब टोटल होता है हमारा 1 बड़ा कप और 1/4 कप, मतलब 1/4 कप मैंने मैदा डाला है और 1/4 कप मैंने इसमें रवा डाला है। टोटल हमारे आटे की क्वांटिटी 1.5 कप होती है, जिसमें से मैंने 1/4 कप रवा डाला है और 1/4 कप मैदा डाला है। यहाँ पे धीरे धीरे मैदा डालने से आपका डो भी एकदम परफेक्ट बनेगा और आपको मिक्स करने में भी बहुत इजी जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते हैं, जिससे वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि शक्कर, घी, दूध सब एकदम पेस्ट है, तो आप अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो आपको डो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से डो बन जाता है। और कभी आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सॉफ्ट है तो आप 1 चम्मच और मैदा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करने के टाइम पे किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है भरने के टाइम पे, तो आप थोड़ा सा वापस डाल के ऐसा सॉफ्ट डो बना लीजिए। और एक साइड हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो हाफ तेल हाफ घी भी ले सकते हैं और पूरा तेल भी ले सकते हैं, पूरा ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसकी हम इसकी रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के टाइम पे ये पाटे पे अगर चिपकता है तो आप पाटे पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर ये रोटी बेलिए, जो इजीली आप बेल सकते हैं। और आप चाहे तो 2 प्लास्टिक के बीच में भी आप डो रख के अच्छे से रोटी बना सकते हैं। इसे हमें बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं। नॉर्मल हम इसका रखेंगे, रोटी नॉर्मल रोटी बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी रखेंगे, जिससे शक्करपारे रवेदार अच्छे लगे। अब इसकी साइड कट कर लेंगे। जो हमारी क्रेक आ गई है वो वाली साइड हम पूरी अलग हटा देंगे, जिससे हमारे शक्करपारे एकदम स्मूथली अच्छे लुक में बने। और ये जो साइड का हमारा जो आटा है उसे भी हम मिक्स करके लास्ट में इसका भी हम शक्करपारा बना लेंगे। अब इसके छोटे छोटे कर्ट्स लगाएंगे। आपको जैसे छोटे बड़े करना है आप अपने हिसाब से इसकी कट लगा सकते हैं। और इसे हमें धीमी आंच पे तलना है। आंच हमें एक बार फास्ट करके तेल गरम कर लेना है और फिर एकदम स्लो रखना है, जिससे हमारे शक्करपारे का कलर जो है वो हल्का गुलाबी आए, डार्क ना हो जाए। अब हम इसे ऑयल के अंदर थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके डाल देंगे और धीमी आँच पर इसे अच्छे से तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन करके डालेंगे। एक साथ हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो पाटे पे हल्के से चिपक गए रहते हैं, इसलिए हाथों से थोड़े से हल्के हल्के निकाल के इस तरह से ऑयल में डालेंगे और उसे अच्छे से 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे हम
पलट के अच्छे से चारों तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे, और वो भी एकदम हल्के गुलाबी होने चाहिए। जब आप इसे तल के प्लेट में निकालते हैं तब वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, पर 1 मिनट 2 मिनट के बाद वो एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे शक्करपारे एकदम गुलाबी हो गए हैं। अब इसे हम धीरे से इसका पूरा घी निथार के इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम यही तरीके से हम सारे शक्करपारे बना लेंगे, और जो हमारी साइड निकलती है रोटी बना के उसका भी हम एक डो बना के लास्ट में इसके भी शक्करपारे बना लेंगे। और इसे 10 मिनट तक प्लेट के अंदर खुले ही रखेंगे, बाद में इसे हम कंटेनर में भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एकदम रेडी हो गए हैं हमारे शक्करपारे। इस तरह से आप इस शक्करपारे को ज़रूर बनाइए।